क्यों आप आलसियों की तरह पड़े हुए हो? क्यों आपके अंदर एनर्जी नहीं है? हर वक्त क्यों लगता है आपको कि आपके अंदर का जो जोश है वो खत्म हो चुका है? प्रैक्टिकली हम बात करते हैं कि देखिए, जिस तरह हर फटाके में बारूद होता है, अब फटाका अगर ऐसे ही रखा हुआ है फिर तो वो फटेगा नहीं। उसे चाहिए कि कोई उसके बत्ती में आग लगाए, एक चिंगारी ही उसे मिल जाए, बस फिर वो फटेगा, और ऐसा फटेगा कि सबके कान सुन हो जाएंगे। आप भी उस पटाखे की तरह ही हो। हम सबके अंदर वो बारूद, वो एनर्जी, जोश, जुनून, आग, इस लेवल का पोटेंशियल हम सबके अंदर है, हम सोच भी नहीं सकते। पर जब तक ये चिंगारी नहीं मिलेगी, वो आग नहीं मिलेगी, तब तक ये सारी चीजें अंदर के अंदर दबी रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगी। अब सवाल ये आता है कि ये चिंगारी है क्या? जिस इंसान को अपनी चिंगारी मिल गई ना, समझो उसकी जिंदगी बदल गई। आलस क्या होता है वो इंसान भूल जाएगा जिसे ये चिंगारी मिल गई। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। दूध को आप गैस पर रख दो, उसे आग मिलेगी, वो उबलना शुरू हो जाएगा। आग नहीं मिलेगी, वो ऐसा का ऐसा रखा रह जाएगा, फट जाएगा, सड़ जाएगा। आपकी जिंदगी में भी अगर वो आग नहीं है, वो चिंगारी नहीं है, तो आप भी ऐसे के ऐसे सड़ जाओगे, ऐसे के ऐसे फट जाओगे। अब फिर से यहाँ सवाल आते कि वो आग है क्या, वो चिंगारी क्या है? अब सबके अंदर से आवाज आ रही कि जल्दी बताओ, वो आग है क्या, वो चिंगारी क्या है आखिरकार? वो चिंगारी और वो आग है पर्पस, लाइफ का पर्पस, जिंदगी का उद्देश्य। अगर मैं 10 लोगों से पूछूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो उनमें से 9 लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं होगा। और ये 9 लोग वही लोग होंगे जिनका इस दुनिया में होना या फिर ना होना बराबर है। वो लोग खुद पर कितना ही प्रेशर डाल ले, वो एनर्जी उनके अंदर से नहीं निकल पाएगी। वो चाहते तो है कुछ करना अपनी जिंदगी में, पर वो नहीं कर पाएंगे। दूध को आप कितना भी धूप में रख लो, वो नहीं उबलेगा जब तक उसको आग नहीं मिलेगी। पर्पस चाहिए जिंदगी में, और सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से, हमारे अंदर से होना चाहिए कि यार इस फील्ड में मुझे बेस्ट बनना है, बेस्ट नहीं तो कम से कम इस लेवल पर तो जाना है, और किसी भी हाल में जाना है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं तो ये एक काम मुझे अपने लाइफ में करना ही है, किसी भी हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना ही है। और जब आपके दिल से ऐसी कोई आवाज आएगी ना, एनर्जी फूट फूट कर आपके अंदर से बाहर निकल रही होगी। आलस क्या होता है आप भूल जाओगे। आलस करने का, अपना टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आपको खुद यकीन नहीं होगा। आप लिख करके रख लो इस बात को, और मेरी इस बात को याद रखना, जब अंदर से ऐसा कुछ आएगा तो उस मुकाम को पाने के लिए आप ऐसे ऐसे काम कर जाओगे जो एक टाइम पे आपको लगता था कि यार ये तो मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है मेरे लिए। ऐसे ऐसे काम आप इजिली कर जाओगे, वो डिजायर, वो अंदर की जो आवाज है ना आपकी, वो आपसे वो काम करवा लेगी। आपका पर्पस आपसे ऐसे ऐसे काम करवा लेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, पॉसिबल बना देगा आपका पर्पस। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो हर वक्त आपको अंदर ही अंदर एक चूल मचेगी, बिन पानी मछली की तरह आप तड़पोगे। आपका माइंड कहेगा कि इस पर्पस को हासिल करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, मैं करूंगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो अपनाना पड़ेगा। आप सब 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 कर जाओगे, आपका जो पर्पस है ना वो सारे काम करवा लेगा। लेकिन वो जो पर्पस है वो अगर नहीं मिला, तो फिर आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर जो जोश है, जो पोटेंशियल है ना, वो फिर वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। आखिर कैसे मिलेगा आपको अपनी जिंदगी का पर्पस? खुद के अंदर झांको, पूछो अपने आप से किस चीज में मैं बेहतर हूँ, किस चीज में मैं फोड़ सकता हूँ, किस चीज के लिए मैं बना हूँ। अगर जवाब नहीं मिले, खुद के अंदर कुछ भी ना मिले, आपने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, तो करो, एक्सप्लोर करो इस दुनिया को, नए नए लोगों से मिलो, नए नए जगहों पर जाओ, जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करो। एक टाइम आएगा अगर आपके अंदर से ये सवाल निकल रहा है ना कि मुझे मेरी जिंदगी का पर्पस मुझे जानना है, तो जिंदगी आपको इस सवाल का जवाब जरूर देगी। जिस दिन आपने अपने लाइफ का पर्पस मिल गया ना, मतलब समझ लो कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका उद्देश्य, आपका जो पर्पस, भले आपको मिले या ना मिले, लेकिन वो जो एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी, वो एनर्जी आपसे काम करवाएगी। उससे जो इंसान बनोगे वो एक अलग ही इंसान होगा। अगर आपके भी जिंदगी में नहीं है पर्पस, तो अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, नए नए लोगों से मिलो। बुरी संगत को कह दो तलाक तलाक तलाक, अच्छी संगत को कह दो कुबूल है कुबूल है कुबूल है, फिर आपके पर्पस को आपको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लाइफ में अगर पहले से ही पर्पस है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस इंसान ने मेरी हर बात पे कनेक्ट किया होगा जिसके लाइफ में पर्पस होगा। अगर कनेक्ट किया है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना, और आपके लाइफ का पर्पस क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके सपनों में जान डालने का ठेका मैंने ले रखा है। और अगली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।